नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनी बहुत बार बोनस दिया है और मल्टी रिटर्न भी दे चुके हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए क्योंकि वो तो सब कुछ तो दे ही चुके हैं क्या इसमें अभी कुछ फायदा मिलने वाला है तो इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करके मैं आज इसके ऊपर बातचीत करूंगा और कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा में आपको दिखाऊंगा इन डेप्थ आपको डेटा दिखाऊंगा यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर में क्या होने वाला है और क्या हो सकते हैं इस वीडियो को अगर आप मिस करेंगे तो बहुत कुछ सिर्फ इस कंपनी के ऊपर नहीं पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर पता चलेगा कि इस सेक्टर फ्यूचर में कितना बड़ा ग्रोथ और पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है तो सेक्टर कौन सा है कंपनी कौन सा है कंपनी एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है अभी ऑटो इंसिलरीज होता क्या है देखिए गाड़ी में जितने सारे पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं उसको ऑटो इनसेलिस कंपनी कहा जाता है तो उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है से, और इंडिया के वो नंबर वन कंपनी है तो शायद आपको नाम याद आ रहा है चलो कोई बात नहीं नाम तो बता दूंगा उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा देखिए सबसे पहले इस कंपनी को चर्चा में क्यों आज करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जिस कंपनी लगातार लगातार बोनस देते रहेंगे बोनस मिलेंगे तो मेरा शेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बोनस का मतलब क्या है मान के चलिए कंपनी आपको बता दिया कि का आपको बोनस मिलेगा इसका मतलब एक के बदले आपको एक शेयर मिलेगा अगर कंपनी आपको बता रहा है कि का बोनस मिलेगा इसका मतलब हर दो शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेगा तो इस तरीके से बोनस मिलते हुए जो कंपनीज है इनमें से बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेगा तो आज जो कंपनी के बारे में बात करूंगा जो बोनस के ऊपर एक रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं उस सेक्टर में सबसे ज्यादा बोनस इसी कंपनी ने दिया है उसका नाम क्या है चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं उसका नाम है मदारसन सुमी जो एक्चुअली समर्थना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से जाना जाता है देखिए कंपनी ऑटो इंस इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी है और इस कंपनी का काम क्या है फिलहाल के लिए कंपनी को कौन सा कौन सा प्रोजेक्ट मिला जिस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में कितना धमाका हो सकते हैं आपको जरूर दिखाऊंगा उससे पहले इस कंपनी का बोनस रिस्थिति एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ देखिए नाइनटीन नाइनटी सेवन में कंपनी वन एक्सटी टू रेशियो का बोनस दिया उसके बाद देखिए दो हजार में वन एक्सटी टू रेशियो का दो हजार पाँच में वन एक्सटो टू रेशू का दो हज़ार सात में सेम टू सेम वन एक्सटी टू दो हजार बारह में वन एक्सटी टू और दो हजार तेरह में भी सेम टू सेम वन टू रेशियो का पंद्रह में भी वन एक्सटी टू सत्रह में भी वन एक्सटी टू दो हजार अठारह में भी वन टू और दो हजार बाईस में वन टू तो कितने बार कंपनी बोनस दिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो सोचिए दस बार कंपनी बोनस दिया अगर मैं वन एज टू को छोड़ ही देता हूँ मैं वन एस टू वन को भी पकड़ लेता हूँ तो फिर भी आपके शेयर कितना गुना हो जाएगा आप एक बार कैलकुलेट करना तो मुझे आप कैलकुलेट करके जरूर कमेंट करिए कि अगर आपने नाइनटीन में अगर शेयर खरीदारी करके रखे थे एक मतलब मान के चलिए यहाँ पे दस शेयर आपके पास था तो आज वो शेयर कितना बन चुके हैं मुझे जरूर कमेंट्स करिए अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए तो मैं आपको जरूर कमेंट्स के हिसाब से मैं जरूर आंसर भी करूँगा रिप्लाई भी जरूर दूंगा तो प्लीज कमेंट करिए इसमें आपको भी एक सीखने का मौका मिलेगा तो एक चीज़ मैं आपको कैलकुलेशन में हेल्प कर देता हूँ जो नया नए नए इन्वेस्टर है उसको लग रहा है कि वन एज टू टू मतलब एक के बदले दो शेयर बिल्कुल नहीं दो के बदले एक शेयर इसका मतलब वन एज टू टू का मतलब है हर दो शेयर के बदले एक शेयर आपको मिलेगा उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करते चले जाना तो अभी कंपनीज के ऊपर तो बोनस का तो परफॉर्मेंस देख लिए अभी कंपनी का परफॉर्मेंस कितना है किस तरीके से है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं है तो बोनस दे रहा है तो उसके ऊपर निवेश करेंगे तो बुरी तरीके से हालत हो सकते हैं सबसे पहले मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाऊंगा कंपनी जब से स्टार्ट हुआ 1999 से अगर मैं चार्ट पैटर्न का दिखूँ तो एनएससी में इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा कंपनी एक लाख परसेंटेज से भी ज़्यादा रिटर्न दिया एक लाख परसेंटेज तो सोचिए कितना धमाका कंपनी परसेंटेज दे चुके हैं एक लाख परसेंटेज का मतलब आप समझते हैं आपका फंड अराउंड गुना कर दिया एक हजार गुना कर दिया आपका फंड तो सोचिए जो लोग इस जगह पे एक हजार रुपया बना निवेश करके रखे थे वो तो आज करोड़पति बन चुके हैं अगर वो बीस साल तक इसको होल्ड करके रखे तो, तो देखिए कहने का मतलब है कौन सा कंपनी चलेगा कहाँ तक चलेगा वो किसी को स्टार्टिंग में पता नहीं होता फिर भी एक प्रेडिक्शन करके हम लोगों को निवेश करना होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी है तो फ्यूचर में क्या होगा कौन सा कंपनी चलेंगे उसको किसी को पता नहीं होता तो आपको काम करना है तो कुछ बेसिस के ऊपर कुछ कंपनी के फ्यूचर के स्टडीज के ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर आपको डिसीजन लेना होगा चलो अभी देख लेते हैं कंपनी में कितना दम है सबसे सब पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं देखिए कंपनी का जो बिजनेस है कंपनी जो मतलब सम्वर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है वो ऑटोमोटिव सेक्टर में यूएस में अलग लेवल का बिजनेस को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया और अलग अलग बिजनेस को भी वो ग्रोथ किया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा कंपनी फटाफट खुद के बिजनेस को स्ट्रेटेजीज को भी चेंज कर दिया जब ई मार्केट में बिल्ड होना स्टार्ट किए ई मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट किया तो कंपनी देखिए ई मार्केट के ऊपर तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिए अभी देखिए ऑटोमोटिव बुक्ड बिजनेस Uh, समर्थना मदासन सुमी जो है वो आप देखेंगे तो बुक कितने कर चुके हैं सेवेंटी बिलियन यूएस डॉलर और वो भी 22 परसेंट फॉर ई मार्केट तो 22 टू परसेंट ई मार्केट को अकेला इस कंपनी कैप्चर करके कर रखे है जहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ वायरिंग्स वगैरह कुछ मॉडल्स uh, जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर साथ ही साथ लाइट्स वगैरह तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट कर दी अभी कंपनीज के जो बिजनेस स्ट्रेटीज़ है उस स्ट्रेटजीज के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रही है अब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपनी वायरिंग सेगमेंट के ऊपर साथ ही साथ जो विजन सिस्टम्स है मतलब जो सेंसर विजन सिस्टम है उसके ऊपर भी काम कर रहा है साथ ही साथ मॉड्यूल एंड पॉलीमर जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी काम कर रहा है न्यू जो डिवीजन कंपनी स्टार्ट किए हैं आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड असेंबल्स इंटीग्रेटेड असेंबल क्या होते हैं जो डैशबोर्ड होते हैं उसके ऊपर जो असेंबल्स लगाए जाते हैं उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बेचना स्टार्ट कर कर चुके हैं उसके साथ साथ एमर्जिनिंग जो बिजनेस है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप खुद ही देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक कंपनी काम कर रहा है और जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है चाहे आज गाड़ी पेट्रोल में हो डीजल में हो हाइड्रोजन में हो कुछ भी हो हर गाड़ी में इस तरीके से प्रोडक्ट को जरूरत होगा ही होगा तो लग्जरीज गाड़ीज में इस तरीके से प्रोडक्ट्स को तो यूज़ होता है साथ ही साथ अगर हम मारती एट को भी खरीदारी करेंगे तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगा और मदरसन सुमी का सबसे क्लास फ्रेड क्या है आप जानते हैं इसका जो कस्टमर बेस है बहुत स्ट्रॉग है मैं अभी आपको दिखाऊंगा कस्टमर बेस देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में कितना दम है और कंपनी क्यूँ एक लाख परसेंटेज के आसपास रिटर्न दिया और आगे चल के क्या कर सकते हैं देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी ऑलमोस्ट जो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट जो बुक है वो कर चुके हैं करीबन सेवेंटी सेवन बिलियन ईवीज मार्केट को ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे कैप्चर करने के लिए वो प्रोजेक्ट बुक कर चुके हैं मतलब कंपनी को ऑर्डर लगातार मिलते जा रहे हैं और वो भी यूएस मार्केट से और भी बाकी मार्केट से कंपनी की जो ग्रोथ है वो कुछ इस बेसिस में ही देखने को मिला कि अभी से अगर मान के चलिए बाईस परसेंट ई मार्केट को कैप्चर कर रहा है ई मार्केट के प्रोडक्ट को बुक कर रहा है बिजनेस को बुक कर रहा है तो आगे चल के कितना बड़ा हो सकते हैं अभी तो सर ई मार्केट स्टार्ट हुआ है तो आगे चल के और भी बड़ा होने का चांसेस है से. और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी कैपेक्स आप देख सकते हैं गाइडेंस फॉर द फुल्ली ई रिसीव्ड टू रुपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ इसका मतलब कंपनी खुद का कैपेक्स भी बढ़ा रहा है खुद के बिजनेस के उफर, बिजनेस बिजनेस ऊपर को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए देखिए ईयर ईयर ऑफ बेसिस तो कंपनी किस तरीके से कैपेक्स को ग्रोथ किया पहले देखिए दो हजार बाईस में क्वार्टर फोर में सिक्स नाइनटी एट करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स का ग्रोथ हुआ था जो अराउंडी फोर परसेंट के आसपास उसके बाद देखिए धीरे 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 करके कम हुआ दो हजार तेईस का क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर इस तरीके से बेसिस में देखा जा रहा है कि कंपनी लगातार खुद का कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस बार तो दो हजार त्विन्टी त्विन्टी फोर, जो कैपेक्स का होने है अराउंड बारह हजार करोड़ के आसपास सॉरी बारह सो चलो तेरह सौ करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट के आसपास तो कंपनी का कैपेक्स अलग लेवल में ग्रोथ होने वाला है और कंपनी का लगातार लगातार इस ग्रोथ के कारण आगे चल के कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो कंपनी का टोटल जो प्रोजेक्ट है ग्लोबली मार्केट में प्रोजेक्ट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है आप देखेंगे तो सी का परसेंटेज जो है जो ग्रोथ है इमरजिनिंग जो बिजनेस का उसका ग्रोथ है ग्लोबली मार्केट में कितना बाईस परसेंट के आसपास और इस बाईस परसेंट के आसपास से कंपनी ग्रोथ कर रहा है और सी एज का जो परसेंटेज है ई मार्जिन के हिसाब से वहाँ पे थर्टी फाइव परसेंट के आसपास ग्रोथ हो रहा है तो सोचिए कंपनी का कितना हाई स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी का कस्टमर अभी कस्टमर देखने से पहले कंपनी का प्रोडक्ट देखिए कंपनी वायरिंग्स प्रोडक्ट के ऊपर ट्वेंटी सिक्स परसेंट का बिजनेस करते हैं विजन सिस्टम के ऊपर एटीन परसेंट बम्पर के ऊपर थर्टीन परसेंट डोर प्लानर के ऊपर इलेवन परसेंट साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट प्लानर के ऊपर सिक्स परसेंट इंटीग्रेटेड असेंबल जो कंपनी का नया प्रोडक्ट है उसके ऊपर तीन परसेंट साथ ही साथ इंजीनियरिंग के ऊपर थ्री परसेंट आदर्श पॉलीमर्स के ऊपर ट्वेल्व परसेंट और साथ ही साथ वायर्स के ऊपर फोर परसेंट एंड नॉन ऑटोमेटिक के ऊपर टू परसेंट एंड आदर्स के ऊपर टू परसेंट तो कंपनी का जो कस्टमर वाइज बेसिस है फिफ्टीन अलग अलग कस्टमर बेस है इसका कस्टमर देख ही आप हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा कस्टमर का वो एक्र करके रखेगा कौन से बड़े बड़े कस्टमर इसके पास है मर्सडीज बेंच आप देखेंगे तो नाइन परसेंट ऑडी जो नाइन परसेंट वश वगन जो एट परसेंट सुजुकी मारती सुजुकी सिक्स परसेंट बी एम डब्ल्यू फाइव परसेंट साथ ही साथ देखिए पुरसे भी है होंडाई भी है फोर्ड है तो बड़े से बड़े कंपनीज इसके पास है जी भी है और कितनी बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है महेंद्रा भी इसका कस्टमर है टाटा मोटर्स भी है साथ ही साथ देखा जाए तो वोल्व भी इसका कस्टमर है तो कस्टमर का जो लिस्ट है ना पंद्रह कस्टमर जो है वो लंबा जर्नी के लिए काफी है इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कस्टमर इसके पास है और कंपनी सबसे ज्यादा कस्टमर कहाँ पे रखे हैं इंडिया में क्योंकि इंडिया में ही तो बहुत सारे कंपनीज है महेंद्रा है टाटा है मारुती है और भी देखिए अलग अलग कंपनीज भी है तो देखा जाए तो इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके कर रखे हैं जो इक्कीस परसेंट और इसमें कंपनी को भी फायदा मिलेगा क्योंकि इंडिया का ग्रोथ अपकमिंग ट्वेंटी थर्टी ईयर्स में इकोनॉमिकली इंडिया सेकेंड पोजिशन में पहुंचने का दम रखते हैं तो अगर इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ तो सोचिए कंपनीज का कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ होने वाले हैं तो इंडियन जो मार्केट कैप के हिसाब इस, से 21 परसेंट यूएस में कितना 18 परसेंट जर्मन में कितना 16 परसेंट चाइना में 11 परसेंट Uh, साथ ही साथ uh, हंग हंगरी में कितना सिक्स परसेंट स्पेन में छः परसेंट सॉरी पाँच पर्सेंट मैक् मैक्सिको में चार परसेंट फ्रांस में चार परसेंट पोलेंड में तीन परसेंट साउथ कोरिया में तीन परसेंट एंड बाकी अदर्स कंट्री में नौ परसेंट तो कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल कहाँ कहाँ से आ रहा है आप देख सकते हैं चाइना भी इसका कस्टमर है तो चाइना इतने बड़े कंट्रीज होने के बाद भी इतने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बाद भी चाइना ग्यारह परसेंट प्रोडक्ट मदरसन सुमी से खरीदारी करते हैं तो सारे पॉइंट्स देखकर आपको क्या लग रहा होगा ये कंपनी बेकार है मेरे हिसाब से तो बेकार कहना भी मतलब बेकार होगा तो इतनी शानदार कंपनी के ऊपर इसीलिए लोग निवेश कर रहे हैं सिर्फ बोनस के चक्कर में किसी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए देखिए बोनस कंपनी क्यों दे रहा है वो तो कंपनी का मैनेजमेंट के हाथ में है क्योंकि मैनेजमेंट चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जितना निवेश करके रखे है उतना पब्लिक भी निवेश करे तो इसीलिए शायद प्राइस को सस्ते में दिखाने के लिए सौ रुपी से नीचे दिखाने के लिए

हाथ में कैश भी शानदार है प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है ऐसे नहीं कि सिर प्रोमोटर ने ही होल्डिंग करके रखे हैं इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर कोई भी माल नहीं बेचा उल्टा माल को ज़्यादा से ज्यादा खरीदारी करके रखे हैं क्यों क्योंकि जो कंपनी इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है उसके ऊपर हर कोई रहना चाहेंगे अगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो रेवेन्यूज जो है सेल्स का ग्रोथ देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं लगातार इंक्रीज हुआ कोविड के टाइम में भी उतना खास डाउनसाइड देखने को नहीं मिला प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट में कुछ चेंजेस देखने को मिला था कोविड के टाइम में आज फिर से वो रिकवरी धीरे धीरे करके कर रहा है नेट नेटवर्क जो है नेटवर्क चौदह हजार करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं पच्चीस हजार करोड़ के आसपास तो अच्छा खासा यहाँ पे नेटवर्क का ग्रोथ हुआ और उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है आप देखेंगे रिजर्व जितना है उतना ही कंपनी का कर्जा भी है कंपनी फिक्स्ड एसेट को भी लगातार बढ़ाते चले गए सी डब्ल्यू आई पी में भी कंपनी दो हज़ार दो सौ करोड़ के आसपास देखने को मिला इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगाया जा रहा है तो इस सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में ही देखने को मिला है तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है अब फोकस रखने के लिए अभी कंपनी का रिटर्न देख लीजिए सिक्स मंथ में आठ परसेंट का रिटर्न दिया एक साल में तीन परसेंट और पाँच साल में कितना नेगेटिव रिटर्न दिया सिक्सटी फोर परसेंट यही लेकर देख लोग घबरा जाएंगे फिर भी दस साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो अच्छा खासा रिटर्न शायद आपको मिल जाएगा तो कंपनी के शेयर होल्डिंग तो आप आप तो देख ही चुके हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है इस कंपनी के ऊपर और कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट है कंपनी के जो प्लेज था जो परसेंटेज प्लेज था करीबन उन्नीस परसेंट के आसपास वो प्लेजिंग को प्रोमोटर ने क्या किया छुड़वा लिया इसका मतलब प्रोमोटर हाई स्ट्रांग डिसीजन लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप किस तरीके से कहाँ से कहाँ तक जर्नी कंपनी की हाँ आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी है बिग बिग क्रैश भी देखने को मिला है तो फिर से वो रिकवरी भी किए हैं तो कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से है कंपनी थोड़ा सा ऊपर गया नीचे है ऊपर गया नीचे आया इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला है तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है हंड्रेड रुपीज़ के नीचे कंपनी प्राइस चला है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में चल रहा है टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखू तो ऑलमोस्ट थर्टी फाइव परसेंट के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है बाकी अभी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि इसके ऊपर आप करना क्या चाहते हैं अगर आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो जरूर मुझे कमेंट्स करना मेरे पास तो बहुत पहले से ही है जब भी कुछ मौका मिलता है तो इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ क्वान्टिटी एड भी कर लेता हूँ तो मेरे टोटल वीडियोज में जितने सारे अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पर्पस में है कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है तो प्लीज एक बार काम करने से पहले सारी चीजों को जांच करिए उसके बाद काम करिए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए अपने ख्याल रखिए धन्यवाद